रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टार अनुपमा इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है। शो में जल्द ही कुमार सानू की एंट्री होने वाली है, जो रूपाली गांगुली के अनुपमा में अपनी सुरीली आवाज से चार चांद लगा देंगे। इन सबसे इत्र अनुपमा में काफी दिनों से पाखी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में लोगों को लगने लगा कि पाखी का किरदार निभाने वाली मुस्कान बामने ने रातों रात शो को अलविदा कह दिया है। इस खबर के बढ़ते ही अब मुस्कान बामने ने भी मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अनुपमा से दूर रहने का कारण भी साझा किया, साथ ही बताया कि वह शो नहीं छोड़ रही हैं। मुस्कान बामने ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू अनुपमा से दूर रहने का कारण साझा किया। उन्होंने अनुपमा को छोड़ने की खबरों को खारिज किया। एक्ट्रेस ने इस सिलसिले में कहा, मैं अनुपमा नहीं छोड़ रही हूँ। असल में मुझे किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग करनी थी तो डेट्स के साथ परेशानी हो रही थी। मैंने अपने वेब शो की शूटिंग पूरी कर ली है और अब मैं अनुपमा में वापसी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी शो में दूसरा ट्रैक चल रहा है। ऐसे में जब ट्रैक खत्म हो जाएगा तो मैं शो में वापस आ जाऊंगी। अनुपमा एक्ट्रेस मुस्कान बामने ने इसके अलावा पारस कुलनावत की बातों पर भी चुप्पी तोड़ी। दरअसल पारस कुलनावत ने आरोप लगाया था कि अनुपमा के 80% कलाकार शो को छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि अनुपमा के सेट पर माहौल अच्छा नहीं है। इस बात पर रिएक्शन देते हुए मुस्कान बामने ने कहा, पारस ने अपनी परेशानियों की वजह से शो को छोड़ा था। सेट का माहौल काफी अच्छा है और बात पैसों की है तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कुछ वक्त पहले पारस और मेकर्स के बीच परेशानी हुई थी। पारस ने डांस रियलिटी शो को साइन कर लिया था और अनुपमा को बीच में ही छोड़ दिया था। इसके बाद चीजें ठीक भी हो गई थी तो अब पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।